हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राधेश्याम डॉट एम वी 123। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ये कान्हा जी का बहुत ही प्यारा वुलन का मुकुट बनाना बताऊंगी। ये फ्रेंड्स, मैंने ये पिंक और येलो कलर में एक ड्रेस बना के रखी है, इसी के साथ आज हम मुकुट बनाएंगे। देखिए, इसके लिए मैं दो कलर की वुलन का यूज़ कर रही हूँ। इन दोनों से हम ये कान्हा जी का मुकुट बनाएंगे। देखिए, हम पहले चेन बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। देखिए, इसके लिए मैंने ये 40 चेन बनाई है। आप अपने कान्हा जी के हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, फिर हमने ये 3 चेन एक्स्ट्रा लेनी है, एक, दो, तीन, और इन्हीं 3 चेन को स्किप करना है और चौथी चेन में हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया करना है। पहले 3 फंदे हैं हमारे पास, 3 में से 2 करने हैं, 2 में से 1, देखिए 1 बर लेना है। नेक्स्ट चेन में धागे को बाहर लेके आना है, 3 फंदे हो गए हमारे पास, 3 में से 2 करने हैं, 2 में से 1, देखिए पूरे में हमने यहाँ पे ये डबल क्रोशिया करना है। देखिए, 3 फंदों में से 2 करने हैं, 2 में से 1, देखिए पूरे को इसी तरीके से करना है। देखिए, मैंने इस पूरे को कंप्लीट कर लिया है। और देखिए, हम धागे को चेंज करेंगे, येलो कलर का धागा ले रही हूँ मैं। अब इसे यहाँ पर अटैच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, धागे को टाइट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अपने वर्क को टर्न करेंगे और वापस से हम पूरे में एक एक बार, हर एक चेन में एक एक बार ये डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, पूरे में हम ये डबल क्रोशिया कर रहे हैं, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए, पूरी चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करना है, ये मैं पूरा करती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर ये लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे हम भी हमने एक डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पे धागे को लंबा करके हमने कुछ छोड़ देना है। देखिए, बैक में देखिए हमारे पास ये जो पिंक धागा लगा हुआ था वो हमने कट नहीं किया, इसे वापस यहीं से स्टार्ट करना है। देखिए, यहीं से इसे स्टार्ट कर देना है एक चेन बनाकर। देखिए, मैंने 2 चेन बनाई है, एक मैंने स्टार्ट करने के लिए धागे को, एक एक्स्ट्रा में। फिर देखिए, वापस इसी तरीके से पूरे में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। देखिए, पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए, हमने पूरी ये 3 लाइन बनाई है। देखिए, एक मैंने ये पिंक, बीच में मैंने येलो रखी है, फिर लास्ट में फिर पिंक बना रही हूँ। पूरी तरीके से पूरे लाइन को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। देखिए, मैं ये लास्ट में आ गई हूँ, एक हमने फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया करना है। देखिए, जो मैंने येलो वाला धागा छोड़ा था उसे साथ में लेना है और देखिए साथ में करने के बाद एक चेन बनानी है। देखिए, धागे को साथ में रखना है और एक मिनट, धागे को साथ में रखने के बाद एक चेन बनाने के बाद यहाँ पे हमने धागे को इन दोनों धागों को हम ये नीचे से बाहर निकाल देंगे, जिसे टाइट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे ये बंद हो गया। देखिए, इस तरीके से मैंने पूरी लाइन बना ली है। देखिए, अब हमने क्या करना है इन दोनों को। देखिए, हमने दोनों बना लिए है, इन दोनों धागों को, इन दोनों को हमने इस तरीके से पकड़ना है। और देखिए, इन दोनों को इस तरीके से करने के बाद ये टेढ़ा, और इस तरीके से हमने इसे सिलाई करनी है। देखिए, नीचे से हमारा इस तरीके से रहेगा जब हम हमारे कान्हा जी को पहनाएंगे, ऊपर से इस तरीके से। देखिए, फिर हमने इसे सिलाई कर, देखिए अब हमने इसे सिलाई करनी है। देखिए, दोनों पार्ट है। देखिए, इस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमने इसे सिलाई करनी है। देखिए, पूरे को सिलना है हमने, जो हमारे कैप की शेप में आ जाए। देखिए, इस तरीके से पूरे को सिलना है। देखिए, मैं पहले से पूरे को सिल देती हूँ। देखिए, मैंने ये पूरे को ऊपर से सिलाई कर लिया है। देखिए, फिर हम इसे उल्टा करेंगे। देखिए, इस तरीके से बना है, ये फ्रंट पार्ट है जो हमारे ये कान्हा जी के फेस पे रहेगा और ये ऊपर की तरफ। देखिए, अब हम ये पार्ट बनाएंगे जो ऊपर हमने ये लगा रखा है मुकुट के। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम एक नोट बनाएंगे। देखिए, धागे को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे,
हल्का सा लूज़ रखेंगे। उसके बाद हम ये एक दो तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद तीन चेन को स्किप करना है। इस फर्स्ट चेन में हम लोगों ने यहाँ पे एक ही चेन में हमें यहाँ पे 7 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखिए एक चेन लेनी है और उसी में फर्स्ट में हमने सेकंड बार फिर से हाफ डबल क्रोशिया करना है, मतलब तीनों में से निकाल देना है बाहर। देखिए तीन फंदे हैं, तीनों में से निकाल देना है। तीन हो गए हमारे, 4, 5, 6 और ये 7। देखिए 7 बनाने के बाद हमने धागे को टाइट करना है। देखिए इस तरीके से, देखिए हमने यहाँ पे धागे को टाइट करना है। देखिए इस तरीके से इसे खींचना है। देखिए टाइट हो गया, देखिए ये आधा बना है। एक चेन लेनी है हमने, यहाँ पे हमने दूसरे धागे को अटैच करना है। देखिए इसी के साथ हम ये येलो वाला धागा अटैच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और इस पिंक वाले धागे को टाइट करेंगे। देखिए अपने वर्क को टर्न करेंगे। देखिए चेन बनाने के बाद उसी में हम ये जो फर्स्ट है चेन हमारी, उसी में हम ये हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस पूरे में हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखिए सेकंड में भी हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर देखिए लास्ट नेक्स्ट में भी हाफ डबल, पूरे में हमने ये हाफ डबल क्रोशिया। देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। धागे को लूज़ करना है, यहीं पे छोड़ना है जैसे मैंने पहले किया था। अब देखिए पिंक वाले धागे को लेके आना है। इसी पूरे राउंड को हमने ये हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखिए पूरे में फिर से हमने हाफ डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में देखिए इसमें हर एक चेन में हमने दो दो बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में भी 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। हर एक चेन में दो 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 बार ये हाफ डबल क्रोशिया करना है। देखिए लास्ट में आगे हम इस धागे को साथ में लेना है और दोनों ये येलो वाले धागे को भी खींच कर एक साथ करना है दोनों को, और दोनों को एक साथ बाहर निकाल देना है और एक चेन बनानी है और धागे को कट करना है। धागे को बाहर निकाल, देखिए एक फ्लावर हो गया हमारा। सेम हमने दूसरा भी बनाना है। देखिए ये हमने छोटा बनाया, इसे हम बड़ा बनाएंगे। यहाँ पे हमने पूरे में हाफ हाफ डबल क्रोशिया किया है, उसमें हम सेकंड में डबल क्रोशिया करेंगे पूरे में। देखिए इसमें मैंने ये देखिए ये पिंक नीचे रखा है, फिर बीच में मैंने येलो किया है और लास्ट में पिंक किया है। अब देखिए इसमें मैं स्टार्टिंग में येलो कर रही हूँ, फिर पिंक करूँगी, फिर येलो। देखिए ये कैप का हमारा फ्रंट पार्ट है। देखिए हमने ये 2 पैचेस बनाए हैं, एक ये छोटा एक बड़ा। देखिए एक को हमने इस तरीके से लगाना है, देखिए हल्का सा इसे टेढ़ा करके। सेकंड देखिए इस तरीके से लगाना है, देखिए दोनों को। देखिए फर्स्ट इस तरीके से लगाना है, घुमाकर इसे हल्का सा और इसे पीछे की तरफ लगाना है। देखिए कैसे लगाना है इसे, देखिए हम सुई से लगाएंगे इसे। देखिए पूरे को मैं लगा के आप लोगों को बताऊंगी। देखिए हमने ये दोनों अटैच कर दिए हैं। देखिए आगे मैंने ये छोटे वाला रखा है, पीछे मैंने ये बड़ा। अब देखिए इसे हम डेकोरेट करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे ये पर्ल चेन लगाऊंगी। देखिए ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा आराम से। देखिए मैं ग्लू से लगा रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फेविकोल का यूज़ कर रही हूँ। ये आराम से इसे चिपक जाता है। देखिए इस तरीके से लगाना है। देखिए इस तरीके से मैंने एक स्टोन चेन ली है, ये देखिए बीच में से ये कट हो जाती है। देखिए 2 को मैंने ये कट किया है। देखिए मैं इस चेन को फेविकोल मैंने लगा रही है। देखिए इस चेन को पूरे को मैं लगाऊंगी।
देखिए मैंने ये बना लिया पूरा फाइनल लुक हमारा इस तरीके से। देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी तो मैंने ये पहले ही लगा लिया है, सिर्फ आपको बता दूंगी। देखिए ये मैंने ये वाइट वाले मोती हैं जो माला में आते हैं उस तरीके के मोती लेके मैंने एक माला में लगा कर इस तरीके से टाइट कर लिए, बांध दिए। यहाँ पर मैंने मिरर लगाए हैं और ये पर्ल्स हैं ना जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी, यहाँ पर मैंने ये छोटे वाले मोती लगाए हैं। देखिए मार्केट में आप लोगों को ईज़िली अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।